टीम के साथ ग्राम धर्मापुर में पहुंचकर अनिल कुमार मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर मेडिकल की समस्त दवाइयां कब्जे में ले ली और मेडिकल स्वामी को हिरासत में लेकर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया और समस्त दवाइयों के नमूने लेकर जांच हेतु भेजा गया। डॉक्टर रानी का कहना है कि छापामारी में किसी प्रकार की नकली व एक्सपायर दवाइयां नहीं पाई गईं। बिना लाइसेंस के मेडिकल चलाने का मामला कोतवाली में पंजीकृत करा दिया गया है। मालूम रहे कि नगर व ग्रामीण अंचलों में खुले आम खुद मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयों की बिक्री हो रही है, वो युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर ले जा रही है। इसके बावजूद नशीली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शासन व प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जब जब भी मेडिकल स्टोरों पर छापामारी होती है तो 75% मेडिकल स्टोर बंद करके फरार हो जाते हैं। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न होना विभाग को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। अच्छा मैडम, ये किस ग्राम के मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया और किस आधार पर? ग्राम धर्मापुर में एक बिना क्या क्या पाया गया वहाँ? एक तो हमें यहाँ पे कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया है और दूसरे भारी मात्रा में दवाइयाँ पाई गई। नशीली नहीं पाई। अच्छा मैडम, की बताए नगर और ग्रामीण अंचलों में अधिकांश मेडिकल दुकानों पर नशीले दवाइयाँ, इंजेक्शन और एक्सपायरी दवाइयाँ बिक रही हैं। यहाँ छापा क्यों नहीं मारा गया, वहीं क्यों मारा गया? लगातार छापेमारी की कार्रवाई हमेशा और लगातार की जाती है और हमेशा की जाती रहेगी। इस मेडिकल का मालिक कौन है? ये है श्री अनिल कुमार। अनिल कुमार ही बैठते थे? अनिल कुमार ही मेरे मौके नहीं, अनिल कुमार फरार हो गए। नहीं, अनिल कुमार है, अनिल कुमार को हमने मौके से दिया है। इनको क्या करेंगे?